फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, कई सारे कपड़ों की वैरायटियां, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली मालेगांव, प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। आज मालेगांव शहर में विकसित भारत यात्रा के तहत जो लाभार्थी वंचित है, जो 5 फरवरी से मालेगांव शहर में अपने हिंदुस्तान भर के अंदर विकसित भारत यात्रा के नाम पर ये यात्रा निकली है, ये यात्रा निकलने का मकसद ये है कि जो लोग चूल्हा या गैस से वंचित रह गए, या कोई जो आवा कार्ड से वंचित रह गए, या जो आधार कार्ड दुरुस्ती करने से वंचित रह गए, अकाउंट से दुरुस्ती करने से वंचित रह गए, ऐसी बहुत सारी अनेक योजनाओं को लेकर के आज जो विकसित भारत यात्रा पूरे हिंदुस्तान भर में घूम रही है, और खासतौर से मालेगांव शहर के अंदर मुस्लिम समाज के अंदर ये मामले को लेकर मुझे लगता बहुत सारे लोगों के काम बाकी थे। तो विकसित भारत यात्रा के तहत जो यात्रा आज घूम रही है, इसका बहुत ही सभी मालेगांव शहर के मुस्लिम समाज के लोगों ने इसका लाभ उठाया, लेकिन इसके अंदर मुझे ऐसा लगता कुछ कालाबाजारी मुझे नजर आई। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता लील हाई स्कूल के पास है, हमने यहाँ जा करके दौरा किया तो वहाँ पे हमें पता चला कि इसके अंदर कुछ लोग ऐसा लगता है भ्रष्टाचार करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसके अंदर हो रहा है, और मुस्लिम समाज को इस योजनाओं से दूर रखने की एक साजिश मुझे ऐसा लगता रची जा रही है, क्योंकि मालेगांव शहर में प्रशासक राज होने के कारण और सरकार की योजना होने के कारण सरकार की योजना होना और सरकारी कर्मचारियों को योजना के लिए पूरे मालेगांव शहर के अंदर जागरूक करने के लिए सरकार ने सरकारी लोगों को इसके अंदर अपॉइंट किया, लेकिन मालेगांव शहर के अंदर प्रशासक जो 2 साल से बैठे हैं और भी मामले को लेकर निकम्मा साबित हुआ, और सरकार की योजनाओं को बताने के ताल्लुक से भी निकम्मा साबित हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं जो प्रशासक राज यहाँ बैठा है ये नहीं चाहता मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, या मुस्लिम समाज को भारतीय जनता पार्टी से लाभ हो, ये एक बात समझ में आती है। 10 योजना लेके आज विकसित भारत यात्रा मालेगांव शहर भर में घूम रही है, लेकिन इनके कर्मचारी हमने टैली किया, खाली 4 लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं, बाकी कोई भी कर्मचारी नहीं है। मेरी माननीय प्रधानमंत्री और माननीय अमित शाह जी, हमारे फडणवीस साहब, हमारे शिंदे साहब, हमारे बावनकुड़े साहब, ये सभी से हमारी भारतीय जनता पार्टी मालेगांव शहर अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से गुजारिश है। मैं खुद महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक मोर्चा का।